कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें जो हैं आज की वो खास तौर से कृषि बाजार में गेहूं के बाजार से आ रही हैं। गेहूं में 50 रुपए तक दाम तेज होकर 2700 रुपए के पार ऑलरेडी जो दाम जा रहे थे वो अब 2780 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक गेहूं में देखे जा रहे हैं। दैनिक आवक जो गेहूं की हो रही है वो 2500 बोरियों की आसपास मार्केट में दर्ज करी गई है। जानकार मान रहे हैं कि केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों को काबू करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है वो आटा बेचने वाली है। हालांकि व्यापारी इसके भाव में भी ज्यादा मंदा मानकर गेहूं में फिलहाल नहीं चल रहे हैं। सरकार का जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ है। जो रेट ऑलरेडी 2700 से लेकर 2900 के बीच में है मार्केट में, वो सरकार के प्रेशर के बाद भी उस चीज का बहुत ज्यादा जो इफेक्ट है वो बाजारों में देखा नहीं जा रहा है। हालांकि अगर इसी तरह सरकार अपना काबू बनाए रखती है, अगर सरकार कड़े कदम उठाती है कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, जो दाम है वो 2900 से लेकर 3000 के पार हो सकता है ना जाए, लेकिन 2900 से लेकर 2950 के आसपास यानी 50 से 100 रुपए तक की तेजी, 3000 का जो लेवल है वो जरूर टच कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने का आसार नहीं है। अब व्यापारियों के लिए ट्रेंड जो है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो जो व्यापारी हैं वो बाजारों में यहां से अगर आपको गिरावट कहीं मिलती है तो आप वहां से एक अच्छा लेवल आपको मिलेगा जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने का। लेकिन फिलहाल गेहूं में आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।